माँ करुणामय वरदानी। कहो तपस्वी क्या इच्छा है, जो चाहो मांगो वरदान। कहे भगीरथ गंगा दे दो, हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए मेरा कल्याण। भगीरथ का हृदय गदगद था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। चरणों में शीश झुकाए हाथ जोड़कर भगीरथ बड़े विनम्र भाव से कह रहे थे, हे प्रभु, सारा संसार आपकी दया पर चलता है। हे करुणा निधान, आप जगत के स्वामी हैं। प्रभु, आप दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी तीन पीढ़ियाँ तपस्या करते करते समाप्त हो गई। मैं चौथी पीढ़ी का भगीरथ आपके चरणों में शीश झुका रहा हूँ। मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए, जिनकी राख का ढेर ज्यों का त्यों अब भी पड़ा हुआ है। उनके उद्धार के लिए मुझे पाप नाशनी देवी गंगा चाहिए। आप मुझ दीनहीन पर दया करें नाथ। भक्त भगीरथ की विनम्रता से प्रभावित भगवान विष्णु बोले, पतित पावने पाप नाशनी गंगा संकट हारे, भक्त भगीरथ पूरी होगी इच्छा आज तुम्हारी। जन कल्याण है तो गंगा है, चिंतित मत हो तुम ज्ञानी। बड़ी दया है इनके मन में, महाशक्ति है वरदानी, महाशक्ति है वरदानी। ब्रह्मा का आदेश शीघ्र लो, महादेव का ध्यान करो। प्रबल वेग गंगा का रोके, भोले का आह्वान करो, भोले का आह्वान करो। विष्णु भगीरथ को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। भगीरथ ने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर भक्त भगीरथ की इच्छा को स्वीकार किया। ब्रह्मा के बाद भगीरथ ने भोले शंकर की तपस्या शुरू किया। भोलेनाथ आशुतोष हैं, भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर भगीरथ की इच्छा को जाना। भगीरथ ने कहा, प्रभु, स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर ले जाना है। उनका वेग प्रचंड है, आपके सिवा कोई भी उनके वेग को संभाल नहीं सकता। नाथ, मुझ पर दया कीजिए और इस कार्य में हमारी सहायता कीजिए। भोलेनाथ ने कहा, भक्त, तुम जन कल्याण की भावना से ये कार्य कर रहे हो, ऐसे शुभ कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, गंगा से कहो, उसमें जितनी भी शक्ति हो वो अपनी सारी शक्ति के साथ आए, महादेव उसका वेग संभालेंगे। भोलेनाथ अंतर ध्यान हुए, तब भगीरथ ने गंगा जी का ध्यान किया। गंगा जी प्रकट होकर भगीरथ को दर्शन दिए। भक्त भगीरथ मृत्यु लोक में झूठ कपट छल माया, लोभ मोह मद में डूबा है प्राणी का मन काया। पाप और अपराध धरा पर स्वार्थ भर सबकी वाणी, बड़ी दया है इनके मन में, माँ करुणामय वरदानी, माँ करुणामय वरदानी। अहंकार का अंधकार है, ईश्वर में विश्वास नहीं। जग में मुझको मान मिलेगा, इसकी मुझको आस नहीं, इसकी मुझको आस नहीं। भक्त भगीरथ
भगीरथ, तुम्हारे संसार का ये हाल देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है। तुम्हारी भावना का आदर करती हूँ, इसलिए मैं चलूंगी, लेकिन सबके पाप धोते धोते जब मैं मैली हो जाऊंगी तो मेरी मैल कैसे धुलेगी? भगीरथ ने कहा, माते, जो ईश्वर में लीन हो गए प्रभु पग जिनके मन में, जो ईश्वर में लीन हो गए प्रभु पग जिनके मन में, छल प्रपंच से दूर सदा जो मोह नहीं जीवन में, उनके पग छू लेना माते संत आत्मा के ज्ञानी, बड़ी दया है मन में इनके माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी, धुल जाएगी मैल तुम्हारी, नष्ट न होगी पावनता, स्वयं विराजे ईश्वर उनमें, ईश्वर से उनकी समता, ईश्वर से उनकी समता। भगीरथ का उत्तर सुनकर गंगा जी अति प्रसन्न हुई और बोली, भगीरथ, तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, किंतु भगीरथ, मेरी धारा का वेग प्रबल और प्रचंड है, इसे संभालेगा कौन? मुझे डर है मैं धरती फाड़कर रसातल में न चली जाऊं। भगीरथ ने बड़े विनम्र भाव से कहा, माते, महाकाल के काल सदाशिव रौद्र रूप है जिनका, करुणा सागर महादेव है अखिल विश्व है उनका, उनसे बड़ा देव ना कोई आदि देव अंतर्यामी, बड़ी दया है इनके मन में माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी, वेग संभालेंगे शिव शंकर माँ तुम अंबर से आओ, जाने देंगे नहीं रसातल करुणा मई मत घबराओ, करुणा मई मत घबराओ, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। नाथ तुम्हारा चरण छोड़कर चली आज मैं जग में, नाथ तुम्हारा चरण छोड़कर चली आज मैं जग में, ना जाने अब मिलन कहाँ हो कब आओ इस पग में, नारायण से बिछुड़ रही थी नैन भर गया था पानी, बड़ी दया है मन में इनके माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी, कहा विष्णु ने त्रेता युग में राम बनूंगा मैं जग में, श्रृंगवेरपुर घाट तुम्हारा तुम होगी मेरे पग में, करुणा मई ब्रह्म रूपिणी देवलोक को छोड़ो, निकल कमंडल से बाहर आ इस अंबर को फोड़ो, भक्त भगीरथ तुम्हें पुकारे पथ देखे अवधर दानी, बड़ी दया है मन में इनके माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी, चली सुरसरी हर 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 जल की धारा लहराए, वेग प्रचंड उमंग भरी थी धरा और बढ़ती जाए, धरा और बढ़ती जाए। देवतागण आकाश पर खड़े फूलों की वर्षा कर रहे थे,
चारों ओर बड़ा भयंकर कोलाहल हो रहा था। लगता था प्रलय हो रही है। हिमालय के सारे पशु पक्षी सन्नाटे में आ गए थे। गंगा अपनी धारा के बीच सुंदर नारी के रूप में लहरों के साथ मचलती हुई चली आ रही थी। उनका प्रचंड वेग धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जल की बूंदें सफेद मोतियों की तरह छिटक रही थी। बड़ा ही मनोहारी दृश्य था। भक्त भगीरथ हिमालय पर खड़े होकर आकाश से उतरती हुई गंगा को एक टक निहार रहे थे। गंगा की धारा धीरे धीरे शिव की जटाओं के घने जंगलों में समाने लगी और देखते ही देखते लीन हो गई। गंगा बरसों उन्हीं जटाओं में घूमती रह गई। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। शिव ने गंगा का गर्व चूर कर दिया था। गंगा शिव के चरणों में नतमस्तक हो गई। शिव की जटा में खो गई गंगा, भगीरथ पछताए। शिव की जटा में खो गई गंगा, भगीरथ पछताए। गंगा बिना भगीरथ कैसे पुरखे तारे जाए। दया करो गंगा दो मुझको, हे भोले शंकर दानी। बड़ी दया है मन में इनके, माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी। प्रकट हुए शिव जटा निचोड़े, दिए बूंद भर जब पानी। चले भगीरथ रथ पर आगे, पीछे गंगा महारानी, पीछे गंगा महारानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा को लेकर भगीरथ चल पड़े। हिमालय की पहाड़ियों से होती हुई गंगा सर्वप्रथम हरिद्वार की धरती पर उतरी। हिमालय की सीमा जहां समाप्त होती है उसे गोमुख का नाम दिया गया। गंगा यहीं से धरती पर गिरती है। हरिद्वार से ही बद्री केदार की यात्रा प्रारंभ होती है। यहीं से स्वर्ग जाने की सीढ़ियां शुरू होती है। धरती पर हरि के द्वार का फाटक यहीं से खुलता है, इसीलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। आज गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर आई थी। उन्होंने नम आंखों से एक बार हरि के द्वार की ओर निहारा, फिर मुड़कर आगे बढ़ चली। नटखट गंगा का स्वभाव है, चंचलता है उनमें। तेज धार गंगा के जल की बहते जाए पथ में। जहनु ऋषि का आश्रम पथ में डुबो दिया गंगा रानी। बड़ी दया है मन में इनके, माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी। लोटा थाली दंड कमंडल धारा के संग बह निकले। मुनि देखे तो क्रोध आ गया, आश्रम से बाहर निकले, आश्रम से बाहर निकले। जहनु ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने अंजुरी में जल भरा और पी गए। गंगा ऋषि के पेट में चली गई, धारा वहीं समाप्त हो गई। भगीरथ ने बड़ी मिन्नतें की। जहनु ऋषि ने अपनी जांघ फाड़कर गंगा को बाहर निकाला। गंगा ने मुनिवर को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मानकर जाह्नवी नाम दिया। अब गंगा को लेकर फिर भगीरथ आगे बढ़े। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, काशी से होते हुए भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे।
कपिल मुनि के आश्रम पर सगर पुत्रों की राख का ढेर गंगा की तेज धारा में विलीन हो गया। पावन गंगा जल से उन्हें मुक्ति मिल गई। सगर पुत्रों को स्वर्ग जाते हुए गंगा जी ने भक्त भगीरथ को दिखाया। भक्त भगीरथ चरणों में गिरकर माँ गंगा की स्तुति करने लगे। भवतारिण भय हारिण मैया वैतरणी हो जग में, भवतारिण भय हारिण मैया वैतरणी हो जग में, पतित पावने पाप नाशनी नमन तुम्हें है पग में, दुख हरने सुख करने हो माँ ममता मई महादानी, बड़ी दया है मन में इनके माँ करुणा मई वरदानी, माँ करुणा मई वरदानी, जैसे मुक्त किया पुरखों को मेरी पीर सुनी तुमने, वैसे सबका कष्ट हरो माँ तुम कल्याणी हो जग में, तुम कल्याणी हो जग में। गंगा जी ने कहा, भक्त भगीरथ तुम मुझे प्रिय हो, तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी होगी। संसार का हर प्राणी जो भी मेरा ध्यान करेगा उसका कल्याण करूंगी, जिसकी जो अभिलाषा होगी उसे पूरी करूंगी। जी ने कहा, भक्त भगीरथ तुम्हें संसार में मेरे नाम से याद करेगा, मैं अपना नाम भगीरथ ही रखूंगी ताकि संसार मेरी भक्ति तुम्हारे नाम से करे। भगीरथ को वरदान देकर गंगा मैया सागर में विलीन हो गई। गंगा के मिल जाने से सागर की महत्ता बढ़ गई, वो सागर से गंगा सागर कहलाने लगा। भक्तों, इसी तरह गंगा मैया की जिस पर कृपा होती है उसी का मान बढ़ जाता है। संसार में सारे सुख भोग कर अंत में भवसागर से पार जाता है। गंगा अवतरण की कथा सुनने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में चल